हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। अगर आपको जुडिशरी के कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या फिर ऐप में जाके देख सकते हैं। सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था चैप्टर 4, दैट इज अबेटमेंट। इसके हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए थे कि किस किस टाइप से कितने कितने प्रकार से अबेटमेंट किया जाता है, ठीक ना, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो सबसे पहला प्री के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 क्या बताता है, अबेटमेंट के बारे में बताता है। देखिए, हम लोग डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें अब हम छोटा सा सिर्फ एक रिवीजन लेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। सेक्शन 45 क्या बताता है, द टाइप्स ऑफ अबेटमेंट। सेक्शन 45 कोई डेफिनेशन नहीं बताता है अबेटमेंट किसे कहेंगे, वो टाइप्स ऑफ अबेटमेंट बताता है कि अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो, अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं जाओ तुम उसको मार के आओ, ठीक ना। मैं अगर किसी को मोटिवेट कर रही हूँ कि ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सी को मोटिवेट कर देती हूँ कि सी तुम जाओ डी को एकदम मार के आ जाओ, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, मैं मोटिवेट कर रही हूँ, मैं इंस्टिगेट कर रही हूँ, ठीक है। कि तो इसमें क्या होगा, मैं लाइबल होंगी वो अबेटमेंट फॉर ऑफेंस के लिए लाइबल होंगी। मान लीजिए मैंने बी को मोटिवेट किया कि जाओ तुम सी का मर्डर कराओ, बी क्या काम करता है, जाके मर्डर कराता है, तो बी जो होगा वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, बट जो मैं हूँ अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए लाइबल होंगी, ठीक। तो पहला क्या बताता है, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं, मान लीजिए मैं बी से कहती हूँ कि सी ने है वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली, तुम्हारी वो बुराई किया है, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसको जान से मार डालती। बी क्या काम करता है, वो जाता है सी को मार डालता है। तो ये क्या किया, मैंने उसको मोटिवेट ही तो किया है, अरे तुमको तो ऐसा ऐसा कहा, अगर मुझे गया तो मैं तो उसको उड़ा देती। तो इंस्टिगेट एनी पर्सन मतलब मोटिवेट करना उसको, उसको मदद करना, इंस्टिगेट करना कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, उसको आइडियाज देना, क्या हो गया, ये सब इंस्टिगेशन में आ जाता है। और इंगेज विद वन ऑर मोर अदर पर्सन और पर्संस, ठीक है ना, एक या एक से अधिक पर्सन या फिर पर्संस से, इन एनी कॉन्स्पिरेसी, किसी कॉन्स्पिरेसी में आप इंगेज हो जाओ, और उसमें क्या होना चाहिए, उस कॉन्स्पिरेसी के होने के बाद इफ सम एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन पर्सुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप तब भी अबेटमेंट के लिए लाइबल होगे। मान लीजिए अगर मैं जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं जाती हूँ तो तीन लोग साथ कॉन्स्पिरेसी करती हूँ कि नहीं ठीक है चलते हैं, और आप मतलब मैं हूँ एक बी है, फॉर एग्जाम्पल ए है बी है सी है, ठीक ना, ये तीनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पायर करते हैं एक दूसरे के साथ कि डी को मोटिवेट करो कि वो ई का मर्डर कर दे, ठीक। ये तीनों क्या काम करते हैं, एक साथ डी को मोटिवेट करते हैं, डी ई का मर्डर कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो यहाँ पे ये तीनों भी लाइबल होंगे, लेकिन किस तरीके से ये लोग एबेटमेंट कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से कर रहे हैं। तो इंगेज विथ वन और मोर अदर पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी, ठीक। अब जो तीसरा आ गया है वो इंटेंशनली एड कर रहा है, मतलब किसी को आप मदद कर रहे हो, किसी को आप मदद, मान लो ए है वो बी को मार रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ठीक ना, ए क्या काम करता है, बी सी को मार रहा होता है, तो ए क्या काम करता है, बी के हाथ में डंडा दे देता है, चाकू दे देता है, ठीक ना, लो भाई तुम हाथ से क्यों मारो, हाथ से मारोगे तो कम चोट लगेगा, लो तुम चाकू से मारो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एड कर रहा है, मदद कर रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ पे वो एड में आएगा, इंटेंशनली एड कर रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सर्वेंट है, एस फॉर सर्वेंट एम फॉर मालिक, ठीक। सर्वेंट है वो अपने मालिक के घर में काम करता है, ठीक। टी फॉर थेफ्ट, तो जो चोर होता है और सर्वेंट होता है, उन लोगों में डीलिंग हो जाती है कि तुम रात में चोरी करने आना, मैं गेट खुला छोड़ दूंगा अपने मालिक का। तो जब रात में चोर पहुंचता है तो सर्वेंट क्या काम करता है, गेट खुला छोड़ देता है। तो ये क्या हो गया, मदद ही तो है चोर की, वो चोर की मदद ही तो कर रहा है कि नहीं भाई तुम आना, तुम हम गेट खुला छोड़ देंगे, तुम अच्छे से चोरी करना, सब साफ कर देना, फिर चले जाना। यहाँ क्या हो गया, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। तो ये क्या हो गया, ये मोड्स बताता है, सेक्शन 45 के बताता है मोड्स ऑफ अबेटमेंट, बताता है कि आप अगर इंस्टिगेट करते हो, कहीं कॉन्स्पिरेसी में एंगेज रहते हो, या फिर किसी की मदद करते हो, यू इंटेंशनली एड समवन, ये क्या हो गया, ये अबेटमेंट में आते हैं। इलस्ट्रेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब आइए सेक्शन 46 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन नॉलेज, ठीक। ये क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन 46 क्या बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है। अब आइए एक्सप्लेनेशन 1 में, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है कि अगर आप एक्ट का अबेटमेंट कर रहे हो तो ठीक है,
लेकिन अगर आप इलीगल ओमिशन का भी अबेटमेंट कर रहे हो उस पर्सन को, जो वो पर्सन बाउंडेड बाय लॉ था वो एक्ट करने के लिए, तो आप भी अबेटमेंट के लिए लाइबल होगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए है, ये मान लीजिए पूल टाइप का है, ठीक, एक तालाब है, तालाब में एक लड़की डूब रही है। बी क्या है, बी बाउंडेड है बाय लॉ कि ठीक है अगर कोई भी बंदा डूबेगा तुम उसको बचा लेना। तो यहाँ पे अगर एक लड़की डूब रही है, बी इसको बचाने जा रहा है, लेकिन ए मना कर देता, कहते नहीं भाई बचाना नहीं, जाने दो, डूब जाने दो, बचाना नहीं, ठीक ना। तो ये क्या हो रहा है, इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट हो रहा है, ठीक। द अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू ऑफेंस ऑल दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बाउंडेड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। यहाँ पे ये बी तो बाउंडेड था, ए नहीं बाउंडेड था उसको बचाने के लिए, लेकिन जब बी बचाने जा रहा है तो आप उसको भी नहीं बचाने दे रहे हो, ठीक है ना। आप तो काम नहीं करो क्योंकि आप तो बाउंड नहीं हो, यहाँ पे ए लॉ के द्वारा बाउंड नहीं है, लेकिन बी जो है उसकी ड्यूटी है बचाना, वो इसीलिए वहां रखा ही क्या है कि अगर कोई डूबे तो तुम बचाना। ऐसे केस में ए क्या काम करता है, वो मना कर देता है बी को कि नहीं बचाना मत, तो इलीगल ओमिशन हो रहा है। तो ऑल दो ए नहीं बाउंडेड था वो काम करने के लिए, लेकिन तब भी आप लाइबल हो गए अबेटमेंट के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू कहता है, टू कंस्टिट्यूट ऑफ एन अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड कमिटेड या फिर उसका इफेक्ट हुआ हो, और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। इसको हम लोग ने दो पार्ट में पढ़ा था कि मान लीजिए आप कोई अबेटमेंट कर रहे हो, किसी ऑफेंस का अबेटमेंट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं वो ऑफेंस हुआ हो, ठीक है, जरूरी नहीं वो ऑफेंस हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी और सी है, ठीक ना, बी क्या काम करता है, ए क्या काम करता है, बी को मोटिवेट करता है कि जाओ तुम सी की मर्डर कर दो, ठीक। लेकिन बी क्या कहता है, वो ए को धोखा दे देता है, कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर्डर नहीं करूंगा। तो मान लीजिए अगर वो ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है नहीं भी हो रहा है, ये बी मोटिवेट हो रहा है नहीं भी हो रहा है, उसके बावजूद भी जो ए होगा वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा, ठीक है। अब आ जाइए, दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस शुड कॉज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ए ने बी को मोटिवेट किया कि जाओ सी को मार दो, बी जैसा कि ए कहता है बी जाता है सी को मारता है, चाकू चाकू खूब कायदे से मारता है, लेकिन सी क्या होता है, ये मरता नहीं है, ये बच जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने मोटिवेट किया था सी की मर्डर के लिए, लेकिन सी बचता नहीं है, अरे सॉरी मरता नहीं है, वो बच जाता है, वो रिकवर कर जाता है। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जो आप इफेक्ट, जो इफेक्ट आप सोच के भेजे हो वो हो ही, ठीक है ना। आपने अपना अटेम्प्ट किया, आपने अबेटमेंट किया, आपने मोटिवेट किया, दैट इज सफिशिएंट एंड नाउ यू विल बी लाइबल, ठीक है। ये बताता है कि इफेक्ट हो वो जरूरी नहीं है, आपने आपने अगले को मोटिवेट कर दिया, दैट इज सफिशिएंट, आपने इंस्टिगेट किया, दैट इज सफिशिएंट, नाउ यू आर लाइबल फॉर अबेटमेंट, ठीक। अब आ जाइए, ये सारे इलस्ट्रेशन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, इस क्लास में हम लोग सिर्फ एक रिविजन करेंगे ताकि आप लोग लास्ट क्लास का भूलो मत। एक्सप्लेनेशन थ्री, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज ऑफ दैट अबेटर, ठीक है। इसमें ये बताता है कि जरूरी नहीं आप जिस बंदे को, जिस किसी भी इंसान को आप अबेट कर रहे हो वो कैपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस हो। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, ठीक। बी यहाँ पे एक अनसाउंड माइंड है, तो अनसाउंड माइंड जो होते हैं वो कैपेबल बाय लॉ नहीं होते कोई भी ऑफेंस करने के लिए। अगर अनसाउंड माइंड कोई भी एक्ट कर रहे हैं वो ऑफेंस में नहीं आएगा क्योंकि इनको जनरल डिफेंस मिला हुआ है, क्योंकि ये मेंस्ट्रिया फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक ना। जो पागल इंसान है उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, पागल वो ऐसा नहीं, मेडिकली इल नहीं होना चाहिए, मेडिकली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, वो लीगली अनसाउंड होना चाहिए, ठीक। अगर कोई लीगली अनसाउंड पर्सन है अगर वो कोई एक्ट करे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ए क्या है, बी जो कि लीगली अनसाउंड पर्सन है उसको मोटिवेट करता है कि जाओ तुम सी के घर में आग लगा दो, ठीक। अब बी जाते हैं सी के घर में आग लगा देते हैं, तो क्या यहाँ पे बी कैपेबल बाय लॉ था, द आंसर इज नो, क्योंकि वो तो अनसाउंड था। बट तब भी क्या होगा, ए लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए क्योंकि तुमने अबेट तो किया। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है। तुमने तो अबेटमेंट कर दिया तो नाउ यू विल बी लाइबल फॉर द अबेटमेंट, ठीक। अब दूसरा, इसका दूसरा पार्ट क्या था, दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर, ठीक। इसमें हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, ए है, बी है, सी है, ठीक है। सी क्या काम करता है, बी से बहुत जलता था, सी क्या काम, बी से बहुत जलता था। तो वो ए क्या करता है, ए को मोटिवेट करता है कि कहता है कि जाओ एक काम करो, मेरी कॉपी जो है वो बी चुरा ले गया है, तुम मेरी कॉपी उठा लो, ठीक। अब भाई ए होते हैं ये दया में आ जाते हैं,
तो जब ए दया में आ जाते हैं वो क्या काम करते हैं, बी के पास जाते हैं, कॉपी उठा के लग के सी को दे देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो, और इसको ये भरोसा दिलवाता है जो सी है, ये ए को विश्वास दिलवाता है कि जो तुम कॉपी ला रहे हो वो मेरी ही है। तो ए गुड फेथ में बी के पास जाता है, कॉपी उठा के लेके चला आता है। यहाँ पे जो ए का एक्ट है वो गुड फेथ में है, ठीक है ना। जो सी का इंटेंशन है वो मैलिफाइड इंटेंशन है, वो जलन की भावना रखता है, वो इल विल रखता है। लेकिन जो ए का इंटेंशन है वो इन गुड फेथ में है, ठीक है ना, वो बोनाफाइड है कि नहीं बताओ इस सी की कॉपी है, वो बी रखा है, लाओ हम इसकी कॉपी उठा के दे देते हैं। तो क्या इंटेंशंस दोनों का सेम है? द आंसर इज नो। क्या नॉलेज सेम है? नहीं। तो ऐसे केस में भी सी लाइबल होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो ए जो एक्ट कर रहा है उसका इंटेंशन और सी का इंटेंशन सेम हो। अगर ए का बोनाफाइड इंटेंशन है बट तुम्हारा तो मैलिफाइड इंटेंशन है ना, तुम तो गिल्टी माइंड से काम कर रहे हो, इसलिए तुम लाइबल होगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही शुड हैव सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। ज़रूरी नहीं ए का जो इंटेंशन हो जो नॉलेज हो सेम हो, वो वही हो सकता है। अब इलस्ट्रेशंस जो था वो हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, तो इस क्लास में उतने अच्छे पढ़ने की, डिटेल फॉर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन 4, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक। इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। तो क्या होता है, ए बी को मोटिवेट करता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बी को मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम सी से कहो डी की मर्डर कर दे, ठीक। तो बी क्या काम करते हैं, वो सी को मोटिवेट करते हैं कि जाओ तुम डी की मदद कर दो, मर्डर कर दो। सी डी की हत्या कर देते हैं, डी को निपटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट, ठीक है। ए क्या कह रहा है, बी से कह रहा है कि तुम जाओ सी को अबेट करो, तो अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। यहाँ पे ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट तो हुआ ही, क्योंकि बी सी को तो अबेट कर रहा है, यहाँ पे एक ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट हो गया है। लेकिन ए भी क्या कर रहा है, उस ऑफेंस को करने के लिए अबेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल स्टेज ऑफ अबेटमेंट हो गया। तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ठीक है। मान लो अगर ए बी को कहता है कि तुम जाओ सी को मोटिवेट करो, वो डी को मार दे, ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक अबेटमेंट हो गया। और ये भी अबेटमेंट करने के लिए भी अगर किसी को अबेट कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस आएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन नंबर 4। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 5 में, ठीक। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसल्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट, ठीक। मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है, राम है, श्याम है, ये गीता है और ये सीता है। सॉरी, हमें सीता नहीं लेते हैं, कोई और नाम ले लेते हैं, मीता ले लेते हैं, ठीक ना। तो राम और श्याम की कॉन्स्पिरेसी होती है कि चलो मीता को निपटा देते हैं, मीता को गायब कर देते हैं, इनको मर्डर कर देते हैं, ठीक। तो जो राम और श्याम क्या करते हैं, इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी हो गई होती है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो गया होता है कि इनको मीता को निपटाना है, ठीक। लेकिन श्याम जो है वो गीता को नहीं जानता है, श्याम गीता को नहीं जानता है, लेकिन राम गीता को जानता है। तो राम गीता से जाके बात करता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये काम कौन कर सकता है। तो राम बताता है कि हाँ मैं एक इंसान को जानता हूँ जो कि इस जो मीता है उसको उसका मर्डर कर सके। तो राम जाता है गीता से बात करता है कि काम करो तुम जाओ जो मीता है उसकी मर्डर कर दो। तो ये जो गीता होती है ये जाती मीता का मर्डर कर देती है, ठीक। तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है श्याम गीता को जाने तभी वो लायबल होगा। इन दोनों में कॉन्स्पिरेसी थी, राम और श्याम में कॉन्स्पिरेसी थी, राम तो गीता को जानता था। तो आप जरूरी नहीं कि आप भी डायरेक्ट गीता को जानोगे तभी आप लायबल होंगे। अगर एक व्यक्ति जानता था, एक व्यक्ति ने अबेट कर दिया, तो दूसरा व्यक्ति भी लायबल होगा, क्योंकि आप दोनों एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, ठीक। इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस, ठीक। वो डायरेक्ट बात करें कि नहीं ठीक है चलो तुम जाओ फला फला की मर्डर कर दो, नहीं। जरूरी नहीं कि तुम डायरेक्ट गीता से बात करो, राम जानता था वही सफिशियंट है। तो ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अब आइए जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 47 इन अ डिटेल फॉर्म में, ठीक। तो अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट और बियॉन्ड इंडिया which would constitute an offense if committed in India,
ठीक है, इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग. ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स, ठीक है, टू कमिट एन मर्डर इन दैट कंट्री इज गिल्टी ऑफ परपेटिंग टू मर्डर. मान लीजिए कोई एक्ट है, ये सीधा सीधा ये 47 क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह के, ठीक है, ए इंडिया में रह के, ए इन इंडिया, कोई व्यक्ति इंडिया में रह के उस व्यक्ति को अबेट करता है जो कि फॉरेन में रहता है. मान लीजिए ये इंडिया है और ये हो गया कोई भी कंट्री, पाकिस्तान ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, ठीक है. तो ए यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है और वो पाकिस्तान में बैठे हुए किसी व्यक्ति को मोटिवेट करता है कि तुम जाओ मर्डर कर दो. वो अबेट करता है कि तुम जाओ मर्डर कर दो, ठीक ना. यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है पाकिस्तान में, उसको यहाँ पे जो इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति है वो मोटिवेट कर रहा है कि तुम जाओ मर्डर कर दो, वो मर्डर कर देता है, ठीक ना. तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में भी जो यहाँ इंडिया में जो बैठा व्यक्ति है, ए फॉर एग्जाम्पल ए इंडिया में बैठा है, तो ए विल बी लाइबल फॉर एन ऑफेंस, ठीक है. आप ये क्लू नहीं कर सकते, ये नहीं ले सकते कि नहीं यहाँ तो अबेटमेंट तो सिर्फ यही अपराध है, बाहर थोड़ी अपराध है या फिर वहाँ पे थोड़ी ऑफेंस है, मैंने तो यहाँ से बैठ के अबेट किया है ना, वहाँ पे तो चलता है, ये आप नहीं कह सकते. अगर आप इंडिया में हो, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे कोई ऑफेंस कर रहे हो तो आप यहाँ पे लाइबल हो गए. बेसिकली जो हम लोग इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़े थे 47 और 48, उन्हीं के बारे में बताता है, ठीक. तो अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, मतलब इस संहिता के मीनिंग में जितना भी ऑफेंस आता है, ऑफेंसेस ऑफ अबेटमेंट, इस संहिता के मीनिंग में जो आता है, इन इंडिया, इंडिया में अगर वो इंडिया में कर रहा है, अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट विदाउट और बियॉन्ड विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. विदाउट और बियॉन्ड का मतलब फॉरेन में, इंडिया से बाहर, ठीक ना. अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है और अगर वो किसी ऑफेंस के लिए अबेट कर रहा है, ठीक, किसी भी ऑफेंस के लिए वो मोटिवेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है या फिर इंटेंशनली एड कर रहा है कि नहीं ठीक है हम तुमको कह रहे हैं तुम जाओ, और जो पाकिस्तान में बंदा बैठा है इससे कहता है कि तुम जाओ, जो डी है, सी, ए क्या कहता है, सी से कहता है जो कि पाकिस्तान में बैठा है कि जाओ तुम डी का मर्डर कर दो, सी क्या काम करता है, डी का मर्डर कर देता है. तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे केस में भी जो ए होगा वो लाइबल होगा, ऑल्दो उसने जो अबेटमेंट का ऑफेंस किया है वो फॉरेन में किया है, वो जो बाहर बैठा है वो बंदा उसको अबेट किया है, बट देन ऑल्सो ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक. जैसे ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी, ठीक ना, ए क्या है इंडिया में है, इंस्टिगेट करता है बी को, ठीक, अ फॉरेनर इन कंट्री एक्स, ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे कंट्री एक्स लिया गया है, हम लोग इसको कोई भी ले लेते हैं, पाकिस्तान ले लेते हैं, नेपाल ले लेते हैं, चाइना ले लेते हैं, कोई भी कंट्री ले लेते हैं, ठीक है. तो ए एक बंदे को जो बी है उसको इंस्टिगेट करता है जो कि कंट्री एक्स में है, ठीक है, कि टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, कि ठीक है जाओ तुम अपने कंट्री में जहाँ बैठो जाके वहाँ मर्डर कर दो, ठीक है. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए तो इंडिया में है ना, तो इसलिए ए भी लाइबल होगा फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर. ये अपना जान नहीं छुड़ा सकता कि नहीं हम तो भाई नेपाल में कहे थे, अब नेपाल में थोड़ी ही ऑफेंस है किसी को अबेट करना, नेपाल में नहीं इंडिया में तो है ना, आप तो इंडिया के सिटीजन हो ना, आप अभी तो इंडिया में हो ना, इसलिए आप उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक. अब मान के चलिए अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया. अब देखिए इसमें क्या था, 47 में क्या था कि जो बंदा इंडिया में बैठा है और बाहर अबेट कर रहा है, इंडिया में बैठा है और फॉरेन में अबेट कर रहा है, चाइना में किसी बंदे को अबेट कर दे रहा है कि नहीं जाओ तुम उसका मर्डर कर दो, नेपाल में किसी को कह दे रहा है, ठीक. लेकिन 48 में क्या है, जस्ट उसका उल्टा है. 48 में क्या कर रहा है, अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब जो पर्सन है जो अबेट कर रहा है वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में है, वो विदेश में बैठा है, ठीक है, वो इंडिया के मतलब बाहर है, अपने देश से बाहर है, ठीक. तो विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया, ठीक है. वो तो बंदा बाहर बैठा है लेकिन वो अबेटमेंट कहाँ कर रहा है, अपने देश में कर रहा है, अपने इंडिया में कर रहा है वो अबेटमेंट, ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, विच वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. तो ऐसे केस में भी क्या होगा, जो पर्सन अगर वो बाहर बैठा, फॉर एग्जाम्पल ये अपना इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है. अब पाकिस्तान से या फिर कोई भी एक्स कंट्री मान लेते हैं, एक्स कंट्री मान लेते हैं, ठीक है ना. तो एक्स कंट्री से कोई बंदा बैठा है और वो इंडिया में कह रहा है, इंडिया में किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहा है कि चलो तुम वहाँ पे किसी का मर्डर कर दो, ठीक, यहाँ पे वो ऑफेंस होता है. तो ये पर्सन भी लायबल होगा फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ठीक. ये नहीं कह सकता नहीं तो मैं तो बाहर था,
मैं कैसे लाइबल हो सकता हूँ, नहीं ये भी लाइबल होगा. अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, मतलब अबेटमेंट क्या करो, आउटसाइड ऑफ इंडिया करो, बाहर कर रहे हो उस ऑफेंस का जो कि इंडिया में हो रहा है. अब बाहर बैठे बैठे इंडिया में अबेटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप लाइबल हो गए, आप उस पनिशमेंट के लिए लाइबल हो गए. ठीक, तो यही कह रहा है पर्सन अबेट इन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट हु विदाउट बियॉन्ड इंडिया, मतलब अगर वो बाहर बैठा है, अगर विदेश में भी बैठा है और इंडिया में अपने अबेट कर रहा है कि नहीं ठीक है जो फला फला को मार के आओ तो तुम भी लाइबल हो गए, भले तुम विदेश में बैठे हो तो क्या हुआ. ठीक है, ये कहता है सेक्शन 48, सेक्शन 48 ये कहता है फॉर एग्जाम्पल ए है, ए कहीं श्रीलंका में बैठा है और ये अपने बी है ये इंडिया में बैठा है. ठीक, तो ए बंदा बी से कहता है कि जाओ तुम सी का मर्डर कर दो. बी भी इंडिया में है, सी भी इंडिया में है, ये कहाँ पे है, श्रीलंका में है. तो ऐसे सिचुएशन में बी क्या काम करता है, सी का मर्डर कर देता है, तो ऑफेंस तो हो गया. तो क्या ए बच पाएंगे, नहीं ए नहीं बच पाएंगे, उनको यही सेक्शन सेक्शन 48 इनको लपेट लेगा, कहेगा नहीं बेटा तुम बाहर बैठे हो तो क्या हुआ, तुम लाइबल रहोगे. ठीक है, तुम भले ही बाहर ही हो लेकिन तब भी तुम अबेटमेंट के लिए गिल्टी हो. ठीक, अब आइए सेक्शन 49 पढ़ते हैं. 49 whoever abet an any offence सेक्शन 49 सबसे पहले क्या बताता है ये हम लोग पढ़ते हैं. पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड. ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया, कोई ऑफेंस को अबेट किया गया या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जहां पे कोई प्रोविजन नहीं है तो उसमें क्या सजा मिलेगी. ठीक, ये सेक्शन 49 बताता है, बेसिकली ये बताता है कि सजा क्या क्या मिलेगी. तो हूएवर अबेट एनी ऑफेंस, ठीक, शैल इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस of the abatement and no express provision is made by Sangita for this punishment for such abatement be punished with the punishment provided for that offense. ठीक है, अब देखिए इसको पहले दो पार्ट में बांट दीजिए. मान लीजिए कोई एक्ट अबेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए क्या काम करता है, बी को अबेट करता है कि तुम सी का मर्डर कर दो. बी क्या काम करता है, सी का मर्डर कर देता है. तो क्या अपने जो आईपीसी थी या फिर जो बीएनएस है उसमें क्या जो अबेटमेंट फॉर मर्डर का ऑफेंस प्रोवाइडेड है, द आंसर इज नो. वहाँ पे कहीं एक अलग प्रोविजन तो पता नहीं कि अगर आप मर्डर के लिए अबेट कर रहे हो तो आपको इतने साल की सजा मिलेगी, आप इसके लिए अबेट कर रहे हो तो इतने साल. तो जहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है उस ऑफेंस को अबेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं प्रोवाइडेड है तो माना जाएगा आप उसी ऑफेंस के में लाइबल होगे. जैसे कि अगर बी है, ए जो है वो बी को मोटिवेट करता है, अबेट करता है कि तुम जाओ सी को मार के आओ, बी क्या काम करते थे, सी को जाके मार देता है. तो जो अपने संहिता है उसमें अबेटमेंट फॉर मर्डर का ऑफेंस नहीं है प्रोवाइडेड है, तो इसलिए ए जो लाइबल होगा वो मर्डर के लिए ही पनिशेबल होगा, उसको वैसे ही पनिशमेंट दिया जाएगा जैसे कि उस ऑफेंस में प्रोवाइडेड है. ठीक है, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस. ठीक है ना, तो उसी पनिशमेंट के लिए वो पनिश किया जाएगा जो कि ऑफेंस में प्रोवाइडेड. अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, whoever abet any offence shall if the act abetted is committed in consequences of abetment and no express provision is made, कोई भी express provision नहीं दिया गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, is made by the Sangita for the punishment of such abetment be punished with the punishment provided for that offence. अगर मान लीजिए इस act से कोई consequences भी हो जा रहा है, for example यहाँ पे तो सीधा सीधा था, A ने B को कहा कि नहीं तुम जाओ C को मार दो, B ने मार दिया, तो ये अबेटमेंट फॉर मर्डर जैसे कि उनका स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं तो इसलिए मर्डर के लिए लाइबल होंगे. अब मान के चलिए ए जो है ये बी को कहते हैं, ए है ये बी को कहते हैं कि आप एक काम करो सी को जाओ ग्रीवियस हर्ट करके आओ, ग्रीवियस हर्ट करके आओ. अब भाई बी जाते हैं वहां मारते हैं तो इसमें क्या होता है, मारते मारते वो इतना मार देते हैं कि कुछ दिन बाद सी क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, निपट ही जाते हैं. तो ये जो ग्रीवियस हर्ट जो मर्डर है ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है ग्रीवियस हर्ट का. ठीक, मान लीजिए अगर आप किसी को मार रहे हैं, ठीक ना, बी अगर सी को मार रहा है तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये खुद से सोचने वाली बात है कि मान लो अगर हम मार रहे हैं किसी को ज़्यादा मार दिए क्या पता उसकी डेथ भी हो सकती है, क्या पता कहीं हड्डी वड्डी टूट जाए उसकी डेथ भी हो सकती है. तो क्या है ये ग्रीवियस हर्ट में जो डेथ होना ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है कि नहीं, इंसान को अंदाज़ा है, इंसान अनुमान लगा सकता है कि भाई अगर हमने मार दिया और बहुत ज़्यादा मार दिया तो अगला मर भी सकता है. ठीक है, तो क्या अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए जो होगा वो मर्डर के लिए लाइबल होगा. क्यों,
क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस किसका है, मर्डर का आया, ठीक ना। भले ही वो ग्रीवियस हर्ट के लिए भेजा था कि नहीं जाओ भाई तुम ग्रीवियस हर्ट करके आओ, लेकिन वहाँ पे मर्डर हो गया गलती से सी मर गया, तो उसके लिए भी वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि अबेटमेंट फॉर मर्डर का अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, ठीक। व्हेवर अबेट एनी ऑफेंस इफ दैट अबेटमेंट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट अबेटमेंट, ठीक है। कोई अबेटमेंट उस कॉन्सिक्वेंसेज, अगर कोई एक्ट हो गया, इफ द एक्ट इज अबेट कमिटेड, ठीक ना, वो एक्ट कमिटेड हो चुका है, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट। भाई इसमें यहाँ पे ए ने बी को मोटिवेट किया, बी ने क्या हुआ सी को मार दिया, ठीक। यहाँ पे एक्ट तो हुआ ना, एक्ट क्यों हुआ, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट, इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट एक्ट हो गया। अब ठीक है, इतना तो हो गया, एक्ट तो हो गया भाई, उसने मोटिवेट किया, एक्ट हो गया, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, ठीक ना। कोई एक्सप्रेस प्रोविजन इस संहिता में नहीं बताया गया कि मान लो चलो ठीक है, अगर तुम इसके लिए अबेटमेंट कर रहे हो तो तुम इतने साल की सजा होगी, ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताया गया है। नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, ठीक है। पहली बात तो एक्ट हो गया, दूसरी बात क्या है, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो पनिशमेंट होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, पनिशमेंट हम उसी ऑफेंस का देख के सेम पनिशमेंट उसको दे देंगे, ठीक, विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। फिर हम क्या काम करेंगे, उस ऑफेंस में जाएंगे, देखेंगे इसमें भाई कितने साल की सजा है, तो जो जितने साल की सजा रहेगी वही सजा हम उसको दे देंगे, ठीक। ये कि नहीं अबेटमेंट फॉर ऑफेंस का अलग से सजा होगा और उस ऑफेंस का सजा अलग से होगा। अगर स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइडेड है तो ठीक, अगर स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइडेड है तो ठीक, आपको जो सजा दिया गया वही सजा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड है, तो आपको जो मेन ऑफेंस है, फॉर इसमें जैसे कि मर्डर है, तो इसमें आप मर्डर के लिए ही पनिश किए जाओगे, ऐसा माना जाएगा आपने मर्डर ही किया है, ठीक है। अबेटमेंट फॉर मर्डर के लिए नहीं, आप मर्डर के लिए ही पनिशेबल होंगे, ठीक। तो विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दिस ऑफेंस, समझ गए आप लोग। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद एड टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, ठीक। ये सिंपल सा ही कह रहा है कि एन एक्ट और एन ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट, ठीक ना। कब हो रहा है व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेट, तो आप इंस्टिगेट करो। जनरली जो हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में पढ़े थे टाइप्स ऑफ अबेटमेंट कैसे होता है, इंस्टिगेट करके होता है, कॉन्स्पिरेसी से होता है, या फिर आप किसी को इंटेंशनली एड करते हो, वही सारा इसमें बताया है कि एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट। कब कहा जाता है कि जब वो आप ऑफेंस कर रहे हो, वो जो एक्ट है वो कॉन्सिक्वेंस किसका, इंस्टिगेट का, इन पर्सुएंसेस कॉन्स्पिरेसी, या फिर आप किसी की मदद कर रहे हो, यू इंटेंशनली एड समवन। मान लो अगर ए जा रहा है बी को मारने, ठीक है, सी ने ए को मोटिवेट किया कि आप जाओ बी को मार दो, अब जब ए जा रहा था तो कह रहा था हाँ से क्यों डंडा से मारो, तो इसमें क्या एक मदद ही तो कर रहा है, तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है, वो भी अबेटमेंट आएगा, ठीक। अब आइए हम लोग इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन अबेटमेंट के जितने भी सेक्शंस हैं उस सेक्शन का एक एक इलस्ट्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा। इसलिए इन सेक्शंस में, इन प्रोविजंस में जितने भी इलस्ट्रेशन है, एक भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ सकते, ठीक। अब आइए, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस। मान लीजिए ए है, वो बी को कहते हैं ठीक है तुम जाना कोर्ट में, गलत बयान दे देना। अब बी क्या हो गया, उसने ये काम कर दिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लाइबल फॉर द सेम पनिशमेंट एज बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बयान देने का अलग से ऑफेंस नहीं दिया गया है कि मान लीजिए अगर ए है ये बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम कोर्ट में जाकर गलत बयान दे दो, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, अबेट ही तो कर रहा है, लेकिन अपने संहिता में, अपने एक्ट में इसका अलग से ऑफेंस प्रोवाइडेड नहीं है कि तुम कितने साल, कितने मतलब तुमको कितना पनिशमेंट मिलेगा। अगर तुम किसी फॉल्स एविडेंस के लिए अपडेट करो तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड है। इसलिए जितना बी लाइबल होगा फॉल्स एविडेंस देने पे, जितना बी लाइबल होगा उतना ए भी लाइबल होगा, दोनों की लाइबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक ना। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस, ए जो गिल्टी है इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, ठीक ना। जैसा जैसे जितना पनिशमेंट, मान लीजिए अगर बी को 10 साल की सजा मिल रही है तो ए को भी 10 साल की सजा मिलेगी, ठीक ना। ए ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो सिर्फ कहा था कि ऑफेंस तो बी ने ही किया है, भाई फॉल्स एविडेंस तो बी ने दिया है, मैंने तो दिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसको कहा था करने के लिए, तो ए ये ग्राउंड नहीं ले सकता, ठीक। अगर तुम्हारे कहने पे बी ने किया है
तो तुम भी वैसे ही लायबल होगे। अगर बी को 10 साल की सजा मिलेगी तुमको भी 10 साल की सजा मिलेगी, ए को भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, वो बच नहीं सकता भले ऑफेंस बी ने किया हो, भले बी ने ए के कहने पे फॉल्स एविडेंस दिया हो, वो इररिलेवेंट होता है। ठीक है, जितना मान लीजिए अगर बी को जितना पनिशमेंट मिला उतना ए को मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो सेक्शन 49 है वो यही कहता है कि अगर कोई एक्ट हो गया, कोई ऑफेंस हो गया, ठीक है ना, और उसका जो कोई अबेटमेंट कर रहा है अगर उसमें कहीं स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं प्रोवाइडेड है तो आप उसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगी। अब आइए दूसरा जो इलस्ट्रेशन है वो हम लोग देखते हैं। ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड। यहाँ पे देखिए कॉन्स्पिरेसी आ गई, ए और बी क्या हो गए, कॉन्स्पिरेसी में आ गए टू पॉइजन जेड। ए इन परसुएंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर द पॉइजन एंड डिलीवर इट टू बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर टू जेड। ठीक ना, अब ये ए क्या काम करते हैं, ए और बी हैं, इन दोनों का मोटिव है जेड को मारना। ठीक है ना, तो ए क्या काम करता है, इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर टू बी। ठीक ना, ए क्या काम करता है, जहर खरीद के लाता है, बी को दे देता है। ठीक, इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिट, ताकि जो बी है वो जेड को दे सके। बी इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी वो जेड को पॉइजन दे देता है, एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज एब्सेंस। ठीक ना, भले वहां पे ए प्रेजेंट ना हो, ए क्या काम किया, वो जहर लेके आके दिया बी को। बी क्या काम करता है, जो जहर है वो जेड को दे देता है, भले वहां पे ए मौजूद हो ना मौजूद हो, इररिलेवेंट है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, एंड देयर बाय कॉज डेथ। हियर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड इज लायबल टू बी पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब समझ गए आप लोग, ये सेक्शन जो ऊपर जो सेक्शन बताया गया है ये इस इलस्ट्रेशन से और भी क्लियर हो गया है कि मान लो ए और बी का दोनों कॉन्स्पिरेसी है, भाई ठीक है चलो हम दोनों मिलके, मान लीजिए हम ए हैं और बी हैं, हम बी के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि जो जेड नाम का व्यक्ति है उसको निपटा देना जहर देके, हम जाते हैं जहर खरीद के ला के बी को दे देते हैं। बी क्या काम करता है, मैं कहीं बाहर गई थी, मेरी गैर मौजूदगी में जेड को जहर दे देता है, जिससे क्या होती है, जेड की डेथ हो जाती है। ठीक, तो जो बी है उसको तो मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, मैं भी नहीं बच सकती, मुझे भी मर्डर के लिए उतना ही पनिशमेंट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे और बी में कॉन्स्पिरेसी है, ए और बी क्या है, दोनों कॉन्स्पायर किए हुए हैं कि चलो ठीक है हम दोनों मिलके कि हम जहर ला, क्योंकि मेरा भी तो एक्ट है इसमें, मैंने भी तो एक्ट किया है, मैं जहर ला के दी, मैंने बी को एड किया है। ठीक ना, मैंने बी की मदद की कि नहीं ठीक है मैं तुमको जहर ला के दे दे रही हूँ बी को, और बी क्या कर जी को जेड को खिला देगा, तो मैं ये डिफेंस नहीं ले पाऊंगी कि नहीं मैं तो वहाँ पे थी ही नहीं, मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, मैंने थोड़ी जहर दिया है, जहर तो बी ने दिया है, तो मर्डर तो बी ने किया है ना। तो कोर्ट कहेगा नहीं, मर्डर जहर भले ही बी ने दिया हो लेकिन दोनों के गिल्टी इंटेंशंस तो सेम थे ना, जहर उसने दिया हो तो क्या हुआ, आप भी कम थोड़ी थे, आप जहर ला के तो हमने दिया ना, तो इसलिए हम दोनों लायबल होंगे, ए भी लायबल होगा बी भी लायबल होगा फॉर द मर्डर। इसमें किसी को डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई बच के नहीं जा सकता कि नहीं हमने जहर नहीं दिया था, हमने तो सिर्फ ला के दिया ही था, तो इसमें मेरा क्या, मैंने थोड़ी जहर दिया था, ये कोई नहीं कह सकता। अब आइए सेक्शन 50 देखते हैं। Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abet does the act with different intention or knowledge from that the abettor, be punished with punishment provided for the offence which would have been committed if the act has been done with intention or knowledge. ठीक है, of abettor. तो इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए एक कोई एक्ट, whoever abet the commission of an offence, जो कोई व्यक्ति abet करता है commission of offence के लिए, ठीक ना, if the person abets does the act with different intention, मान लीजिए जिसको abet किया गया अगर वो act कर रहा है different intention या फिर different knowledge से कर दे रहा है from the abettor, ठीक ना, from abettor मतलब जो abettor है उसने जो act करने के लिए कहा गया था, उसने जो जिस इंटेंशन से वो एक्ट करने के लिए कहा था, जो अबेटर है वो दूसरा एक्ट कर दिया, डन विथ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, बी पनिश्ड विथ द पनिशमेंट प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैज बीन डन विद द इंटेंशन नॉलेज ऑफ द अबेटर विथ नो अदर। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, ये पनिशमेंट बता रहा है, बेसिकली जो सेक्शन 50 है वो पनिशमेंट बता रहा है कि मान लीजिए अगर आपने किसी को अबेट किया, ठीक, मान लीजिए किसी बंदे को अबेट किया, उसने क्या किया, जो ऑफेंस था वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से कराया, ठीक ना, तो वो उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 50 बताता है कि हूएवर अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल, इफ द पर्सन अबेट डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर, ठीक ना, जो उसका इंटेंशन है, जो एक्ट कर रहा है उसका इंटेंशन जो है वो अबेट, जो पर्सन अबेट कर रहा है दूसरा है, ठीक है ना,
be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act have been done with the intention or knowledge of the abettor and with no other. ठीक है, अब आइए सेक्शन 51 पे आते हैं. सेक्शन 51, सेक्शन 51 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर मेंस एज वेल एज प्री के लिए भी. ठीक, इसमें क्या होता है, सेक्शन 51 में क्या होता है, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा. व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड, ठीक, जब कोई एक्ट को अबेट करने के लिए कहा गया एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, डिफरेंट एक्ट हो गया. मान लीजिए ए है, बी है और सी है. ए ने बी से कहा कि तुम जाओ सी को ग्रीवियस हर्ट करके आओ. ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्ट क्या है, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए कहा गया है. ठीक, तो एक्ट अबेटेड है, वो ग्रीवियस हर्ट करने के लिए कहा गया है, बट अ डिफरेंट एक्ट इज डन. तो इसमें क्या हुआ, बी जाता है सी को मारता है, कायदे से ग्रीवियस हर्ट कर देता है, लेकिन क्या होता है, इसी में सी मर जाता है. ठीक, वो तो गया था ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, लेकिन सी का क्या होता है, वहीं पे डेथ भी हो जाती है. ठीक है, द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन इन सेम मैनर टू द सेम एक्सटेंट एज ही इज डायरेक्टली अबेटेड इन. ठीक है, मान लीजिए ऐसे में क्या होता है, ए जो है वो बी को भेजा था कि तुम जाओ ग्रीवियस हर्ट करके आओ, लेकिन बी मारता मारता इतना मारता है कि वो मर जाता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो ऑफेंस हो गया वो मर्डर हो गया, ग्रीवियस हर्ट तो हुआ नहीं. ठीक है ना, भले ए ने क्या हुआ, बी को ग्रीवियस हर्ट के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो ऑफेंस हुआ वो मर्डर के लिए हुआ, वो ग्रीवियस हर्ट के लिए तो हुआ नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में जो ए लाइबल होगा वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल होगा. क्यों, क्योंकि जो ऑफेंस हुआ वो मर्डर हुआ, जो एक्ट निकल के आया है, जो एक्ट निकल गया है वो मर्डर निकल के आया, वो ग्रीवियस हर्ट निकल के नहीं आया है. तो इसलिए जो ए लाइबल होगा वो मर्डर के लिए लाइबल होगा. ठीक, प्रोवाइडेड, अब देखिए इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन विद द एड और इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. ठीक है ना, जो एक्ट होना चाहिए वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे तब भी आप अच्छे समझ पाओगे. इसमें क्या है, ए बी को अबेट करता है कि तुम जाओ सी को ग्रीवियस हर्ट करके आओ. ठीक, बी जाता है मारता है, लेकिन मारते मारते क्या होता है, सी मर जाता है. तो इसका क्या मतलब, ये एक इंसान, हर एक इंसान ये अपने दिमाग से सोच सकता है कि मान लो मैं अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारती हूँ तो वो मर भी सकता है. ये क्या हो गया, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो गया. नहीं ठीक है, क्या पता अगर हम ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाए, अगर हम उसको ज़्यादा मार दें तो वो मर जाए. ठीक है, अगर हम किसी के घर में आग लगा दें तो जाहिर सी बात है उस घर में जो रहने वाले व्यक्ति होंगे वो भी मर सकते हैं. ठीक है, तो मान लो अगर हम जाते हैं किसी के घर में आग लगा देते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो सिर्फ आग ही लगाया था, और उस वो आग बहुत ज़्यादा फैल जाती तो उसमें जो उस घर में जो लोग रहते हैं वो मर जा रहे हैं. ठीक ना, तो हम ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो सिर्फ आग ही लगाया था, मैंने किसी को मारा थोड़ी. ये तो सोचने समझने वाली बात है, ये तो अपने दिमाग से सब खुद पता है कि अगर मान लो इनकेस अगर आग ज़्यादा बढ़ जाती तो लोग मर भी सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो गया. अगर कोई एक्ट हो रहा है, अगर डिफरेंट एक्ट हो जा रहा है, ठीक ना, When an act is abetted and different act is done, अगर कोई act abetted हो रहा है उसके अलावा कोई different act हो जा रहा है. ठीक, यहाँ पे अगर grievous hurt के लिए किया था, grievous hurt के लिए abet किया गया था, लेकिन different act अगर murder हो जा रहा है, तो ऐसे केस में A जो liable होगा वो murder के लिए liable होगा. ठीक ना, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो इसके लिए कहा था, लेकिन इसमें एक शर्त है, provided that act जो होना चाहिए वो probable consequences में होना चाहिए, कि उसी consequences मान उसी consequences से ही वो act आना चाहिए, एक्ट वो डिफरेंट एक्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ए है, बी है और सी है. ठीक ना, हमने ए हम है मान लीजिए हम बी को मोटिवेट करते हैं कि तुम जाओ सी के घर में चोरी कराओ. ठीक, बी को मोटिवेट करते हैं कि ये जाए सी के घर में चोरी कराए. बी जाता है सी के घर में चोरी करने, लेकिन चोरी करने के साथ ये देखता है वहाँ पे एक लड़की है, उस लड़की का रेप भी कर देता है. तो जो थेफ्ट है और रेप है ये दोनों अलग अलग एक्ट हैं, और जो थेफ्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस रेप नहीं हो सकता. ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, दोनों के एक्ट अलग हैं और उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे ए होगा वो सिर्फ थेफ्ट के लिए लाइबल होगा, ना कि रेप के लिए, क्योंकि रेप इज नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थेफ्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने बी को कहा कि जाओ तुम सी को ग्रीवियस हर्ट करो, लेकिन ये खुद सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी को ज़्यादा मार देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को हार्म कर देंगे, तो वो इंसान मर भी सकता है. ये तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम मर्डर के लिए लाइबल होंगे.
मान लीजिए अगर हम किसी को इंस्टिगेट करते हैं, बी को इंस्टिगेट करते हैं कि जाओ सी के घर में आग लगा दो, ठीक, बी जाता है सी के घर में आग लगा देता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? और जब बी जब सी के घर में आग लगाता है तो सी आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक। तो जो आग लगाना और लोग मरना, ये जाहिर सी बात है, ये हर एक इंसान सोच समझ सकता है, ये छोटा सा छोटा बच्चा सोच सकता है कि अगर आग बढ़ गई, अगर आग अगर बढ़ गई तो जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो मर सकते हैं। तो क्या हो गया, आग से लोग मरे, ये क्या हो गया, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिफरेंस नहीं, अरे मैंने तो सिर्फ आग ही लगाने के लिए कहा था, किसी को मारने के लिए थोड़ी कहा था। तो यहाँ पे जो एक्ट है, जो मर्डर का एक्ट है, जो मर्डर का एक्ट है, वो आग जो लग रही है उसका क्या है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पे हम जो लाइबल होंगे वो मर्डर के लिए लाइबल होंगे, ठीक। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए है, एक बच्चा है, हमने एक मतलब मैं हम एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि जाओ तुम सी के खाने में जहर मिला दो, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है, जो बच्चा है वो सी की जगह डी के खाने में जहर मिला देता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों क्या है, डिफरेंट एक्ट है। हमने सी के लिए अबिट किया था, ठीक ना, एंड एक्ट इज अबिटेड, हमने सी के लिए अबिट किया था कि जाओ तुम सी के खाने में जहर मिला के आओ, लेकिन बच्चा है वो नहीं समझ पाया, वो नहीं जान पाया, वो गलती से डी के खाने में जहर मिलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ऑल्दो हमने ये एक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन ये एक्ट हो गया, ठीक है ना, डिफरेंट एक्ट हो गया, बट क्या हुआ कि ये भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज में है। मुझे ये हर कोई है कि भाई बच्चा ही तो है, पता है गलती से इसके नहीं दूसरे खाने में जहर मिला दिया हो तुम, हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं मैंने तो सिर्फ उसके खाने के लिए जहर कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था तुम उसके खाने में जहर मिलाओ। तो मैं ये डिफेंस नहीं ले सकती, मैं यहाँ पे लाइबल होंगी मर्डर के लिए, भले वहाँ पे सी का मर्डर हुआ हो या फिर डी का मर्डर हुआ हो, ये है, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक। मैं दोनों के लिए लाइबल होंगी, भले ही जो बी जो है वो सी के बजाय डी के खाने पर जहर मिला दिया, लेकिन तब भी मैं मर्डर के लिए लाइबल होंगी, ठीक है। तो ये बताता है, अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू फूड ऑफ जेड, ठीक ना। ए है, सी फॉर चाइल्ड ले लेते हैं, ठीक ना, सी फॉर चाइल्ड, ए है चाइल्ड को इंस्टिगेट करता है कि तुम जाओ जेड के खाने में जहर मिला दो, ठीक, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पज, और उसको जहर भी दे देता है कि नहीं भाई तुम लो ये जो जहर, जाओ जाओ तुमको मिलाना है। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इंस्टिगेटर बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इन टू फूड ऑफ वाइफ, तो लेकिन बच्चा क्या होता है, समझ तो पाता नहीं, वो नहीं समझ पा रहा उसको क्या करना है, वो गलती से जेड की जगह वाई के खाने में जहर मिला देता है, ठीक, विच इज सेट बाय द साइड ऑफ जेड, ठीक ना, जो जेड था उसी के बगल में वाई था बैठा था, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो गया भाई इसमें से जेड का खाना कौन सा है, वाई का खाना कौन सा है, तो वो गलती से वाई के खाने में जहर मिला देता है। हियर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंस्टिगेशन एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट, ए इज लाइबल इन सेम मैनर एज टू सेम एक्सटेंट ही हैव इंस्टिगेटेड चाइल्ड पुटिंग पॉइजन ऑफ वाइफ, ठीक। सीधा सीधा मतलब यही है, इतना बड़ा जो इलस्ट्रेशन है इसका इजी लैंग्वेज में इसका मतलब यही है, मान लो अगर ए सी को इंस्टिगेट करा है तुम जाओ जेड के खाने में जहर मिला लो, जेड के ठीक बगल वाई बैठा था, बच्चा क्या काम करता है, गलती से जेड की जगह वाई के खाने में जहर मिला दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ए है वो तब भी लाइबल होगा, वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि नहीं हमने तो जेड के खाने में कहा था, ये वाई के खाने में मिला दिया, डिफरेंट एक्ट हो गया, मेरा तो ये इंटेंशन ही नहीं था, मेरा तो वाई को मारने का इंटेंशन ही नहीं था, मैं तो चाहता ही नहीं था कि वाई मर जाए, मैं तो जेड को मारना चाहता था, मैं जहर तो जेड के लिए लेके आया था, अब बच्चे ने गलती कर दी तो मैं क्या करूं, ये डिफेंस ए नहीं ले सकता, ठीक। भले ही डिफरेंट एक्ट हुआ हो, आपका इंटेंशन हो ना हो, लेकिन तब भी आप लाइबल होंगे। ये जो सेक्शन है, ये जो इलस्ट्रेशन है, ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ मैलिस मतलब, मान लीजिए अगर हम जेड को मारना चाहते थे और गलती से वाई मर गया, तब भी मर्डर तो हुआ ना, ऑफेंस तो हुआ ना, मर्डर तो हुआ, हम ये तो नहीं कह सकते नहीं इसको नहीं मारना चाहते, इसको अरे वो तो गलती से मर गया, ये तो हम थोड़ा कह नहीं सकते, ऑफेंस हो गया, भले ये नहीं तो ये सही, तुमने किसी ना किसी को तो निपटा दिया ना, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ठीक। अब आइए बी पार्ट क्या कहता है, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, ठीक ना भाई, ये ए ने क्या कह दिया, बी को कहा कि जाओ तुम जेड का घर जला दो, मान लो मैं हूँ, मैं बी को कह रही हूँ कि जाओ तुम भाई जेड का घर जला दो, ठीक है, ये जेड है, ये उसका घर है, ठीक,
तो बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम बी हैज कमिटेड थेफ्ट. बी भैया जाता है उनके घर में आग लगा देता है, उसी के टाइम चोरी भी कर लेता है. ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट फॉर द थेफ्ट वॉज डिस्टिंक्ट एक्ट एंड वॉज नॉट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बर्निंग. ठीक. अब इस इलस्ट्रेशन का सीधा सा मतलब ये है, मान लो मैं बी को अबेट कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम जाओ भाई जो जेड है उसके घर में आग लगा दो. ठीक. बी जाता है जेड के घर में आग लगाता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी नीयत और खोटी हो जाती है, वो चोरी भी कर लेता है. तो क्या चोरी करना प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था आग लगने का? क्या मतलब आग लगना चोरी करना दोनों डिफरेंट एक्ट है? वो एक्ट सिमिलर तो है नहीं भाई. मान लो अगर उस आग लगने से कोई मर जाता तो वो तो उसका प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था. ये बात सबको पता है कि आग लगने से कोई ना कोई मरता जरूर है. अगर आग फैल गई तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए भी इंजूरियस होगा, ये बात तो पता है. एक छोटा सा छोटा बच्चा बता देगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा नहीं भाई आग लगने से कहीं चोरी हो जाती है. तो चोरी करना अलग एक्ट हो गया, आग लगना एक अलग एक्ट हो गया. जो चोरी कर रहा है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है आग लगने का. इसलिए जो यहाँ पे हम जो ए है वो लाइबल होगा सिर्फ अबेटमेंट फॉर फायर के लिए होगा, ठीक ना, बर्न के लिए होगा, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट एक्ट है. हम चोरी के लिए नहीं अबेटमेंट के लिए लाइबल होंगे भाई, हमने तो कहा था सिर्फ आग लगाओ, ठीक है ना. अगर वहाँ कोई मर जाता तो भले मर्डर के लिए लाइबल होते, लेकिन चोरी वोरी के लिए हम लाइबल नहीं है. क्योंकि क्या है, ये डिस्टिंक्ट एक्ट हो गया. जो एक्ट है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है उस एक्ट का जिसके लिए हमने अबेट किया था, इसलिए यहाँ पे ए लाइबल नहीं होगा. ठीक. अब आ जाइए तीसरा जो ये सी क्लॉज है. ए इंस्टिगेट बी एंड सी, ठीक है, टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी. ठीक. ये क्या करता है, बी और सी को कहता है कि जाओ भैया एक घर है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उसको तोड़ो क्योंकि हमको रॉबरी करना है. प्रोवाइड्स देम विद आर्म फॉर द पर्पस. अब भाई उनको असलाह बारूद भी दे देता है. तो यहाँ पे मान के चलिए ए हो गए, ये हो गए बी और सी. तो ए क्या करता है, बी और सी को मोटिवेट करता है कि जाओ भैया तुमको रॉबरी करना है, और इनको गोला बारूद बंदूक संदूक जो भी रहता है दे देता है. बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस एंड बीइंग रजिस्टर्ड बाय जेड. अब भाई जैसे ही ये इस घर में पहुंचते हैं, बी और सी इस घर में पहुंचे, तो यहाँ पे जेड पहले से खड़ा था. जेड कहा तुमको घुसने नहीं देंगे हम. बी और सी कह रहे हम कैसे नहीं घुसेंगे. जेड कह रहा हम तुमको घुसने नहीं देंगे. तो वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है. वन ऑफ देम मर्डर जेड. तो भाई इन दोनों को गुस्सा आ जाती है कि भाई ये हमको घुसने नहीं दे रहे. मान लो सी है, ये जेड को निपटा देता है, मर्डर कर देता है. हियर इफ दैट मर्डर वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट ए इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर. ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ पे जो रॉबरी हो रही है, ये जो मर्डर हो रहा है, सॉरी ये जो मर्डर हो रहा है, जो सी ने जेड का मर्डर किया, ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज था. क्योंकि रॉबरी में क्या होता है, फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट डेथ होता है, ठीक है ना, फियर ऑफ इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट होता है. तो इसमें क्या होता है कि अगर बी और सी है, ये आ रहे हैं यहाँ पे रॉबरी करने, जेड कह रहा है हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम क्यों जाने देंगे, मेरा घर है. तो लेकिन सी को गुस्सा आता है, वहीं पे इनको उस बंदूक से जेड को उड़ा देता है. तो क्या हो गया, ये एक इंस्टेंट डेथ, जो रॉबरी का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है कि फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, वो यहाँ पे था, इसने इसको निपटा भी दिया. यहाँ पे जो ए होगा वो भी लाइबल होगा. किसके लिए, वो भी मर्डर के लिए लाइबल होगा. ठीक है. वो ऑल तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो सिर्फ रॉबरी के लिए भेजा था, ये कैसे मार के कैसे चले. नहीं, रॉबरी में का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो खुद बताता है कि जहाँ पे अगर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ होगा उसको रॉबरी कहेंगे. जाहिर सी बात है यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, जेड बार बार रोक रहा है कि नहीं तुमको नहीं अंदर जाना है, बी ओ सी कह रहे नहीं हम तो रॉबरी करेंगे. इसी बीच में जो सी है वो गुस्सा के जेड को गोली मार देता है. तो अल्टीमेटली हुआ तो ये भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ना. तो ऐसे सिचुएशन में भी ए लाइबल होगा. तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. आगे की जो सेक्शन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.